स्वागत बंधन। आज हम यहाँ कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग दो, जो मैंने आपको सीरीज के फुल पाठ के जो गद्यांश मैंने आपको पढ़ाए थे उसी पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझें। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? उत्तर है, द्विवेदी जी ने श्रीनिस को कालजयी अवधूत सन्यासी कहा है, कारण जिस प्रकार अवधूत सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अजेयता का मन देता है, सुख दुख भीषण कष्टों कठिनाइयों संघर्षों में भी जीवन रस प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार श्रीनिस जेठ की तपती गर्मी लू आदि भादों की उमस में मस्त रहकर जीवन का रस भी लेता है और नीचे से ऊपर तक खिला रहता है, जिसे देखकर लगता है कि उसे मृत्यु और समय को क्या कर लिया, जीत लिया। श्रीनिस और अवधूत दोनों में यही समानता होने के कारण सीरीज को कालजयी अवधूत माना गया। फिर है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती। प्रस्तुत पाठ के आधार पर क्या स्पष्ट करें? तो व्यक्ति को अपना हृदय कोमल बनाने के लिए अपने व्यवहार में कठोरता लानी पड़ती। व्यवहार में कठोर होने पर ही वह संघर्षों कठिनाइयों बाधाओं का सामना कर पाता। प्राणी अनेक विपरीत दशाओं में से ही हृदय की कोमलता और सरसता को पाने में सफल होता है। जैसे शरीर का पेड़ ग्रीष्म सू की लू आंधी उमस को कठोर बनकर सहन करता है, जिसके फलस्वरूप संसार को सुंदर कोमल फूल दे पाता है। कष्टों और कठोरता में ही सरसता पलती है। जैसे संत कबीर कालिदास अवधूत बाहर से कठोर होने पर ही सरस साहित्य की रचना कर सके। फिर है यहाँ पर, द्विवेदी जी ने शरीर के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन परिस्थितियों में अविचल रहकर जिजीषु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट करें। उत्तर है, द्विवेदी जी ने शरीर के माध्यम से व्यक्ति को सदैव जिजीषु बने रहने की सीख दी है। कोलाहल संघर्ष का तात्पर्य है चारों ओर अत्याचार भ्रष्टाचार लूटपाट खून खराबा आदि देखने को मिलता है। इन विकट परिस्थितियों में व्यक्ति को विचलित व निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अभिचल तदर्श रहकर एक अनासक्त योगी व स्थिर प्रग्र प्राणी के समान जीने की तीव्र इच्छा रखनी चाहिए। जिस प्रकार शरीर भयंकर गर्मी लू आंधी उमस में अपने को जीवित रखता है, उसी प्रकार प्राणी को भी विकट परिस्थितियों में जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। अब यहाँ दिया है कि द्विवेदी जी शीश के साथ आरगबद्ध अमलतास की तुलना क्यों नहीं कर पाते? शीश के आरगबद्ध होने की प्रकार के वृक्ष भयंकर गर्मी में खिलने वाले पेड़ हैं, परंतु द्विवेदी जी शीश के साथ आरगबद्ध की तुलना नहीं करते, क्योंकि शीश बसंत ऋतु के आगमन के समान खिलता है और असार तक तो निश्चित रूप से खिलता है। उसका मन रम जाता है तो उमस भरे बादों भादों के महीने तक खिलता है। आरगवत बसंत ऋतु के पलाश के समान 15-20 दिन के लिए खिलता है, फिर खंखड़ हो जाता है। अतः शीरीस के साथ आरगवत की तुलना करना नहीं चाहते। प्रश्न, शीरीस का फूल किस ऋतु में अपना सौंदर्य बिखेरता है? उत्तर है, शीरीस का फूल बसंत ऋतु में खिलना शुरू होता है, परंतु वह अपना सौंदर्य जेठ की जलती धूप में, जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी होती है, शीरीस नीचे से ऊपर तक खिलकर सबको अपना सौंदर्य प्रदान करता है। उसका मन रमता है तो असाढ़ भादों तक खिलता है। उमस में जब प्राण उबलते हैं, लू से हृदय सूखता है, एकमात्र शीरीस कालजयी अवधूत के समान जीवन की अजेयता का मंत्र देता है, साथ ही सौंदर्य भी प्रदान करता है। अब यहां पर है, पुराने भारत के रईस अपनी वृक्ष वाटिका को सुंदर बनाने के लिए क्या करते थे? तो पुराने भारत के अपनी वृक्ष वाटिका को सुंदर बनाने के लिए उसकी चार दीवारी के पास मंगलजनक वृक्ष लगाया करते थे, जिनमें अशोक
आर्य पुन्नार सदाबहार और सीरीज के छायादार वृक्ष मुख्य रूप होते थे। इन्हीं छायादार वृक्षों की छाया में कामनियों के लिए झूले डाले जाते थे। इन पेड़ों की गमन क्षण हरितमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी सुंदर और मनोहर दिखाई देती होगी। फिर है कालिदास जी ने शीरीष के फूल की कोमलता के विषय में क्या तर्क दिया है। उत्तर है, शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया। द्विवेदी जी कहते हैं कि शायद कालिदास ने ही शीरीष की कोमलता का प्रचार किया होगा। उसका कारण शायद कालिदास का इस फूल के प्रति पक्षपात रहा होगा। शीरीष का फूल केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल ही नहीं। पंद सहित भ्रमस्य पेलवम शीरीष पुष्पम न पुनः पत्रिण्याम, है ना। इस प्रकार से उन्होंने कहा है पत्रिणाम। इस प्रकार कालिदास ने शीरीष के फूलों की कोमलता का अतिशयोक्ति पूर्ण चित्रण किया है। अब यहां पर प्रश्न है कि शीरीष के फलों को ढीठ क्यों कहा गया है, उसको देखकर लेखक को किसकी याद आ जाती। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शीरीष के फलों को ढीठ मजबूत कहा है, क्योंकि नए फूलों के निकल आने पर भी वे स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर ढकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते। वसंत में समस्त वनस्थली पुष्प पत्र से मर्म रहित होती है, तब ये पुराने फल खड़बड़ाते रहते। लेखक को इन ढीठ फलों को देखकर उन नेताओं की याद आती है जो जमाने का रुख नहीं पहचानते और नई पीढ़ी के द्वारा धक्का देने पर ही अपना स्थान छोड़ते। उन नेताओं के विकार लिप्सा समाप्त नहीं होती, ऐसा उन्होंने व्यंग किया है। फिर है शीरीष एक अद्भुत अवधूत है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शीरीष को एक अवधूत कहा है। अवधूत वह होता है जो सांसारिक बंधनों वह विषय वासनाओं से ऊपर उठा रहता है। शीरीष भी जेठ के महीने में जब धरती अग्निकुंड बन जाती है, धरती आसमान जलते हैं, तब शीरीष न जाने कहां से अपना रस खींचता है। अवधूत के समान आठो या मस्त रहता है। लू गर्मी आंधी में कोमल सुकुमार सुंदर फूलों को जन्म देता। अवधूत भी सरस रचनाएं करता है, मस्त रहता, बेपरवाह होता है। इसी कारण शीरीष एक अद्भुत अवधूत है। फिर है डॉक्टर राज प्रसाद द्विवेदी ने एक कवि में किन किन गुणों का होना अनिवार्य माना है। द्विवेदी जी मानते हैं कि एक कवि को सर्वप्रथम अनासक्त होना अनिवार्य है। वह स्वच्छ स्वतंत्र हृदय वाला हो, संसार के लेखे जोखे में ना उलझता हो, उसकी स्थिर बुद्धि हो, उसका प्रेम में तपा हृदय हो। केवल छंद बनाने और तुक मिलाने से कवि नहीं बन जाता। कवि बनने के लिए सौंदर्य के बाह आवरण को भेद कर आत्मा के सौंदर्य तक पहुँचना जरूरी होता है। सच्चे कवि को यह गुण हम सुमित्रानंदन पंत, रविन्द्रनाथ टैगोर और कालिदास आदि में पाते हैं। फिर है कवि व रविन्द्रनाथ ने राजोद्यान के सिंह द्वार को वह इशारा है क्यों कहा है। राजोद्यान का सिंह द्वार चाहे कितना भी ऊंचा हो यानी गगनचुंबी भी हो, शिल्प कला में बहुत सुंदर हो, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि उसमें आकर समाप्त हो जाता है। वह द्वार बताते हैं कि इस द्वार को पार करने के पर ही उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। वह बताना वह अपना कर्तव्य समझता है। सिंह द्वार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इशारा करता है, आगे बढ़ने उन्नति करने के लिए उंगली का इशारा करता है। प्रश्न है, दुष्यंत रह रहकर क्यों खींच उठते हैं, उनकी यह खींच किस प्रकार दूर हुई। राजा दुष्यंत अपने प्रेम की परिणति शकुंतला का एक चित्र बनाकर अभिव्यक्त कर रहे थे, परंतु उस चित्र में कुछ कमी रह जाने के कारण वह खींच उठे थे। उस चित्र में कहीं ना कहीं कुछ छूट गया था। बड़ी देर के बाद उनकी समझ में आया कि शकुंतला के कानों में शीरीष के फूल को देना भूल गए थे, जिसके केसर मतलब जो बाल है तक लटके हुए थे और कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। इस प्रकार उनकी खींच पूरी हुई। लेखक ने देश के ऊपर किस बवंडर के विषय में कहा है, तो भारत पाक विभाजन के समय देश में सांप्रदायिकता, राजनीतिकता आदि के कारण झगड़े हुए। उन झगड़ों में मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर आदि
हुआ। उस समय एक बूढ़े अवधूत के समान अनासक्त होकर इस बवंडर का सामना किया, क्योंकि उसने वायुमंडल से जीवन का रस खींचकर कठोरता और कोमलता का मार्ग अपनाया था। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो सीरीज के फूल वाला पाठ है, उस पाठ के प्रश्नोत्तरों को मैंने पढ़ाया समझाया। परीक्षा के लिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।